नमस्कार, द सोशल संवाद में मैं सिद्धार्थ आप सभी का स्वागत करता हूं। हमारे साथ सुधीर त्यागी जी हैं, राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष किसान मोर्चा भारतीय जनता पार्टी की तरफ से। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है सोशल संवाद में। सर, सोशल संवाद एक चैनल है देश का जो किसान और गरीबों के बीच में जाके काम करता है। सर, मैं आपसे जानना चाहता हूँ कि देश में आज महागठबंधन का एक दौर चल रहा है, तो क्या लगता है कि महागठबंधन से क्या बीजेपी को ज़्यादा नुकसान हो सकता है? देखिए, मैं आपको बता देना चाहता हूँ, पहली बात तो महागठबंधन नहीं है, ये लूट का गठबंधन है जी। और ये जितने भी विपक्षी दल हैं सब हताश होकर बैठे हैं जी। जिस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की कार्यशैली और हमारे भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष अमित शाह जी की कार्य करने की शैली, तो उसी से सारा विपक्ष लाभवंद हो गया है जी। कि किस तरह से इस देश को लूटा जाए, कैसे इस देश को बर्बाद किया जाए जी। उससे ये एक साथ सब एक हो गए हैं, क्योंकि इन्होंने मिलकर पीछे भी बताता हूँ आपको कि आज ये नया गठबंधन नहीं है, पहली बार ये गठबंधन कर चुके हैं, सरकार चला चुके हैं और कभी भी ये पूरी सरकार 5 साल नहीं चला पाए हैं ये गठबंधन की सरकार। ये मोदी जी की लोकप्रियता को देखते हुए सारे विपक्ष एक साथ हो गए हैं। लेकिन मैं आपको बता देना चाहता हूँ आपके चैनल के माध्यम से जी, कि आने वाले 2019 के चुनाव में जी, जो चुनाव होने जा रहा है पूरे देश में जी, एक तरफ अकेले मोदी जी हैं जी, एक तरफ सारा विपक्ष है जी। इस चुनाव में हम 400 प्लस करने जा रहे हैं, ये बीजेपी के फेवर में पूरी देश की जनता खड़ी हो गई है और विपक्ष को जवाब दें। सर, आपका पिछले चुनाव में एक मैनिफेस्टो में था कि मंदिर को लेकर, क्या अयोध्या मंदिर इस चुनाव में मुद्दा रहा? देखिए, मंदिर तो हमारा मुद्दा है, रहेगा, हिंदुत्व के एजेंडे में है, भारतीय जनता पार्टी वचनबद्ध है, मंदिर बनाएंगे। लेकिन आपकी जानकारी में होगा, मंदिर बनने जा रहा था तो वहाँ भी कौन है रुकवाने में? कपिल सिब्बल खड़े हैं उनकी कांग्रेस के, और बात करते हैं मंदिर नहीं बना, मंदिर वहीं बनाएंगे। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में मैटर है और उसके लिए सुप्रीम कोर्ट ने एक वो आपसी भाईचारा कमेटी बना दी है, रविवार को लिखते हैं, उसमें बात चली हुई है, मंदिर अयोध्या में बनेगा और बीजेपी वचनबद्ध है, मंदिर वहीं बनाएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। सर, आपको अभी जो राहुल गांधी जी कह रहे हैं कि हमारी सरकार जैसी ही आएगी किसानों के लिए हम बहुत सारे योजना लाएंगे जिससे किसानों को बहुत ज़्यादा फायदा होगा, चाहे वो उनको 72,000 साल का साल में देने की बात हो, चाहे 72,000 रुपये साल के देने की बात हो, 6,000 रुपये करके हम साल में देंगे गरीब परिवारों को, और हर गरीब के घर में हम नई योजनाओं का शुरुआत करेंगे। देखिए, करनी और कथनी में अंतर है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने अभी पिछले महीने 24 तारीख को गोरखपुर में किसान को सम्मान निधि के तौर पर 2,000 रुपये किसानों को पहली किस्त के अदा करी बटन दबाकर गोरखपुर में जी। वहाँ माननीय योगी आदित्य जी, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, कृषि मंत्री और हमारे भारतीय जनता पार्टी किसान मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष सांसद भदोही मौजूद थे, जिनके अथक प्रयास से ये किसानों को जो खाते में 6,000 रुपये जा रहे हैं उनका भी बड़ा प्रयास है। और माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने दूसरी किस्त भी देने का वादा किया था जो अब जाने वाली है, जिसकी चुनाव आयोग ने अनुमति दे दी है। और रही राहुल जी की बात, तो राहुल जी को बता देना चाहता हूँ कि मोदी जी का संकल्प है कि 2022 तक किसान की आय दुगनी होगी, तो होगी 2022 तक दुगनी ही आय किसान की होगी और 1.5 गुनी प्रधानमंत्री जी कर चुके हैं, जो किसान को लाभ मिल रहा है उसमें पैसों में 1.5 गुना फसल का मिला, ही आपको पता है, सारी योजना किसान के फेवर में है। और पहली बार देश में आज़ादी के बाद 52% बजट माननीय प्रधानमंत्री जी गरीब के लिए किसान के लिए दिया है और ये पहली घटना है आज़ादी के बाद। सर, दिल्ली में आम आदमी पार्टी ने आपके पुराने मैनिफेस्टो को जलाया है और कहा है कि बीजेपी सब तौर से जुमलेबाजी करते, काम नहीं करती, इसलिए हम मैनिफेस्टो जला के विरोध कर रहे हैं। देखिए, केजरीवाल के बारे में कुछ कहना चाहता है, नंबर 1 नोटंकी की बात है, उनका नोटंकी करने का काम है,
वो सरकार के साथ कदम से कदम मिला के चलना नहीं है, उनको जनता को गुमराह करना है और उनका भी टाइम नजदीक आ गया है। झूठ बोलकर आदमी ज्यादा दिन चल नहीं सकता। इस दिल्ली का विकास का पहिया रुक चुका है और इसको भी भारतीय जनता पार्टी पूरी दिल्ली को विकसित करेगी और आगामी चुनाव में केजरीवाल को भी जनता जवाब देगी। पूर्ण राज्य का दर्जे की मांग करते रहते हैं वो। देखिए, केजरीवाल की ऐसी मांग है कि जो पूरी कोई कर नहीं सकता, उनको स्टैंडबाजी है। पूरी सरकार उसके साथ करिए, कहीं वो सच बोले जभी तो, हर एक बात में झूठ बोलता है। आप देखिए, रोज कोर्ट में खड़ा रहता है कि मेरी पावर क्या है, वो मुख्यमंत्री को ये नहीं पता मुझे करना क्या।